इंडियन फुटबॉल फैंस की कहीं ना कहीं पर एक इच्छा था कि इंडिया सैप से निकलकर एशियन फुटबॉल फेडरेशन या फिर काफा ज्वाइन कर ले, एंड फाइनली वो होने जा रहा के मतलब कि इंडिया सैप नहीं छोड़ रहा, बट AIFF ने कैफा के साथ यानी कि सेंट्रल एशियन फुटबॉल एसोसिएशन के साथ एक मूव साइन कर लिया है। एंड इस मूव में क्या है उसको लेकर ही हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो मैं हूँ आपके साथ आपका होशंकन, एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो इंडिया ने कैफा के साथ एक मूव साइन कर लिया है, एंड इस मूव में कहा गया है इंडिया के यूथ टीम्स अब से कैफा के जो यूथ टूर्नामेंट्स होते हैं मेन एंड वोमेन्स दोनों कैटेगरी में ही अब इंडियन टीम्स कैफा के जो यूथ टूर्नामेंट्स होंगे उनमें पार्टिसिपेट करेंगे, वो अंडर 14 से अंडर 21 सभी एज कैटेगरी में। अब इधर और एक क्वेश्चन आता है, क्या इंडियन यूथ टीम सिर्फ कैफा के ही यूथ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा? इंडियन टीम्स क्या अब से सैप के जो यूथ टूर्नामेंट्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा? इस क्वेश्चन का आंसर AIFF ने क्लियरली नहीं दिया है, बट मुझे लगता है कि इंडियन यूथ टीम्स दोनों कंपटीशन में ही पार्टिसिपेट करने जा रहा है, एंड जो हमारे लिए अच्छा ही होगा क्योंकि वैसे भी तो हमारे यूथ टीम्स उतना ज्यादा मैचेस नहीं खेलता है। तो एक तरफ से अगर देखोगे तो इंडियन यूथ टीम्स के लिए मैचेस ज्यादा हो जाएगा खेलने के लिए, एंड ऑफ कोर्स उसके साथ साथ कॉम्पिटेटिव मैचेस की संख्या भी ज्यादा हो जाएगा। अब मैंने कॉम्पिटेटिव मैचेस क्यों कहा उसको जानने के लिए हम पहले देख लेते हैं कि सेंट्रल एशियन फुटबॉल एसोसिएशन के कौन से कंट्रीज मेंबर है। तो फर्स्ट में ही आता है ईरान, सेकेंड उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान एंड अफगानिस्तान। अगर हम कंट्रीज वाइज देखें तो ईरान एशिया के अंदर ईरान एक फुटबॉल जाइंट है जो टीम लगातार वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करता है। इसके साथ साथ सेकेंड टीम उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान एशिया के वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट डेवलपिंग नेशन है। हो सकता है कि नेक्स्ट बार के वर्ल्ड कप में उज्बेकिस्तान क्वालिफाई कर जाए क्योंकि अंडर एज फीफा वर्ल्ड कप के कैटेगरीज में उज्बेकिस्तान क्वालिफाई करता है, एंड उज्बेकिस्तान के पास मौका है इस बार के वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने के लिए। उज्बेकिस्तान के टीम्स भी एक टफेस्ट टीम होगा, एंड इसके साथ साथ किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड ताजिकिस्तान के टीम भी हमारे टक्कर की टीम्स होंगे। एंड हर गुड न्यूज के अंदर एक नेगेटिव सा चीज भी होता है, एंड अगर वो बात आए इंडियन फुटबॉल पर तो नेगेटिव चीज ही ज्यादा होता है। तो नेगेटिव क्या है, अब देखो कोल्लान चौबे आने के बाद से ही मतलब कि प्रेसिडेंट होने के बाद से ही इंडिया ने इससे पहले भी कई सारे कंट्रीज के साथ मूव साइन किया था, स्पेशली सऊदी अरबिया एंड कतार के साथ। उन सारे मूव्स में जो कहा गया था वो अभी तक फुलफिल नहीं हुआ है, तो इस मूव पर भी हमें डाउट हो रहा है, बट आई थिंक ये फुलफिल किया जाएगा क्योंकि कुछ मंथ्स पहले कैफा के कुछ हाई ऑफिशियल से भी स्टेटमेंट आया था कि वो लोग इंडिया के यूथ टीम्स को उनके यूथ कंपटीशन में वो इनवाइट करना चाहते हैं। तो इससे तो हमें लगता है कि ये वाला डिसीजन, ये वाला मूव सही से ही होगा। अगर होता है तो हमारे लिए तो भाई तो काफी एडवांटेज होगा। अब एडवांटेज कितना ज्यादा हमें मिलेगा, अब देखो उतना ज्यादा तो कुछ हमें एडवांटेज नहीं मिलेगा सैप के यूथ टूर्नामेंट्स एंड कैफा के यूथ टूर्नामेंट्स दोनों में ही पार्टिसिपेट करते हैं, तो हमारे यूथ टीम्स को ज्यादा मैचेस मिलेगा खेलने के लिए। इसके साथ साथ हम समझ पाएंगे कि हम कितना पीछे हैं अगर कैप कंट्रीज के साथ खेले, लाइक ईरान के यूथ टीम्स, उज्बेकिस्तान के यूथ टीम्स के साथ अगर हम मैचेस खेले तो हम समझ सकते हैं कि हम कितना पीछे है एंड हमें कितना काम करना है। अब काम तो करना है वही तो हम नहीं करते, बट फिर भी अगर हम लगातार ईरान के यूथ टीम्स एंड उज्बेकिस्तान के यूथ टीम के साथ मैचेस खेलते जाएंगे तो कहीं ना कहीं पर हमारे गेम प्ले एंड हमारे प्लेयर्स भी डेवलप करेंगे, एंड कैफा के यूथ टूर्नामेंट्स में इंडियन यूथ टीम्स पार्टिसिपेट करेगा। इसका मतलब आप लोग ये मत सोच लेना कि इंडिया आपसे अंडर 17 अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने लग जाएगा, भाई वो नहीं होगा क्योंकि जब तक हम हमारे कंट्री के अंदर यूथ डेवलपमेंट के ही स्टेप्स नहीं लेंगे तब तक वो ड्रीम ड्रीम ही है हमारे लिए। तो कैफा ज्वाइन करने से उतना कुछ फायदा हमारे लिए नहीं होगा, जस्ट हमारे यूथ टीम्स कॉम्पिटेटिव मैचेस ज्यादा खेलना स्टार्ट कर देगा। आपका क्या ओपिनियन है इस टॉपिक पे जरूर कमेंट करके हमें लिखिए, क्योंकि हमें भी जानना है और लोग क्या सोच रहे हैं इस टॉपिक पर। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, एंड मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब किए हैं
एंड हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो कीजिए, नीचे आपको लिंक्स मिल जाएगा। और इसके साथ साथ नीचे इंडियन फुटबॉल रिलेटेड और भी कई सारे वीडियो आपको सजेस्ट कर रहा होगा, उन वीडियोस को भी देखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।